वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये जो स्केल हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टेम्परेचर स्केल। ओके, टेम्परेचर स्केल, जैसे कि अलग अलग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हम यूज करते हैं, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। ओके, तो जो अलग अलग टेम्परेचर की स्केल्स हैं ये क्यों बनाई गई या फिर इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सपोज हम बात करते हैं पहला स्केल डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। ओके, लेट अस अज्यूम द टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज आइस पॉइंट, पहले कंडीशन को क्या कहते हैं, आइस पॉइंट कहते हैं, आइस पॉइंट। अब हमारे पास फिलहाल हमारे पास कोई भी स्केल नहीं है। ओके, हमारे पास क्या है, सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, आइस पॉइंट। ये आइस पॉइंट क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, आइस पॉइंट इज अ कंडीशन एट विच दिस आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग इनटू द वाटर, एट विच आइस विल मेल्ट इनटू द वाटर एट अ वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ में ना, आइस पॉइंट क्या है, इट इज अ कंडीशन एट विच आइस मेल्ट इनटू द वाटर, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग इनटू द वाटर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली वन मोर कंडीशन वी हैव अ स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। अब स्टीम पॉइंट क्या है, इट इज अ कंडीशन, स्टीम पॉइंट इज अ कंडीशन एट विच वाटर विल बॉइल्स इनटू द वेपर, वाटर विल बॉइल्स इनटू द वेपर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। अब इन कंडीशन को हम एक नंबर देना चाहते हैं, नंबर क्यों देना चाहते हैं, नंबर फॉर द पर्पस ऑफ इजी कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ द नंबर कम्युनिकेशन विल बिकम ईजियर। जैसे कि सपोज फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ पहले के ज़माने में जब करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उस समय जो है कम्युनिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। कम्युनिकेशन मतलब कि कुछ लेन देन करना चीज़ों की थोड़ा क्या था, डिफिकल्ट था। जैसे कि अगर मुझे घर में कोई काम करवाना है, राइट, अगर मुझे कोई घर का कोई कंपोनेंट टूट गया है वो बनवाना है, तो मैं एक किसी कारीगर को बुला लूंगा, राइट। अब कारीगर को बुला लूंगा, उससे वो काम करवा लूंगा और बदले में उसको मैं क्या दे दूंगा, कुछ घर का सामान दे दूंगा, जैसे कुछ अनाज राशन वगैरह उसको दे दिया। तो ये एक कम्युनिकेशन हो गया, चीजों के लेन देन से जो है वो काम किए जाते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे क्या होगा, जब करेंसी डेवलप हो गई तो कम्युनिकेशन एकदम आसान बन गया, है ना। आपको पता है कि मुझे दुकान से अगर पेन खरीदना है तो मेरे जेब में कितना होना चाहिए, 5 रुपए होना चाहिए, तो 5 रुपए से मैं एक पेन खरीद सकता हूँ, राइट। तो एक नंबर आपके पास आ गया कि 5 रुपए में पेन मिलता है, 5 नंबर है और रुपीस क्या है, ये आपका एक स्केल है। अलग अलग स्केल्स है ना, जैसे कि अलग अलग, अगर हम जाते हैं जैसे हम यूएसए वगैरह में जाएंगे तो वहां पे डॉलर काम करता है, है ना, तो वहां का स्केल अलग है लेकिन नंबर वहां पर भी मौजूद है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस, है समझ में। तो सिमिलरली ये जो हमारा टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर को भी हम एक नंबर देना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इजी कम्युनिकेशन। तो इस जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट को हमने एक नंबर दे दिया, क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सिमिलरली स्टीम पॉइंट को हमने एक नंबर दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जीरो क्या है या 100 क्या है, तो जीरो है एक नंबर, 100 है एक नंबर और सेल्सियस क्या है, एक स्केल है। सेल्सियस क्या है, एक स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस क्या है, स्केल है, राइट। अब इसके बीच में हम इसको 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे सिंपली, है ना, और बीच की कंडीशन को अलग अलग हम नंबर दे देंगे, है समझ में। तो यहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा आसान हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एक और स्केल है डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक और स्केल निकाली डिग्री फारेनहाइट नाम की, राइट। तो उन्होंने सिंपली वो स्केल निकालते समय क्या किया, कि जो आइस है, आइस के अंदर उन्होंने ब्राइन ऐड कर दिया, ब्राइन, ओके सॉरी, आइस के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, जब हम आइस के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन, ठीक है। अब आइस के अंदर सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, तो आइस का फ्रीजिंग रेट कम हो जाएगा, फ्रीजिंग रेट। पहले जो आइस जीरो, अगर हम हमारे पास पानी है मौजूद जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसको हम जब कूल करेंगे और, तो वो आइस, पानी क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन अब अगर उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, अब वो -10, -12, -15 के ऊपर वो फ्रीज होगा, फ्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा उसका, स्लो हो जाएगा।
राइट right? तो यहां पर भी जो है उन्होंने एक स्केल निकाली जिसका नाम था डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट right? तो फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं, फॉर सेल्सियस द आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सिमिलरली फॉर फ़ारेनहाइट स्केल द आइस पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आइसन में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सिमिलरली फॉर फ़ारेनहाइट स्केल, फॉर फ़ारेनहाइट स्केल ओके स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके फॉर फ़ारेनहाइट स्केल आइस पॉइंट कितना है 32 एंड स्टीम पॉइंट कितना है 212, और डिफरेंस कितना आता है, अगर यहां पर स्केल चेंज हो रही है 0 टू 100 तो यहां पर चेंज हो रही है 32 212, तो यहां पर डिफरेंस अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है ओके तो इसमें से पता चलता है फॉर अगर इफ द टेंपरेचर विल चेंज फॉर चेंज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेल्सियस स्केल, द टेंपरेचर विल चेंज बाय 100 इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल सिमिलरली द टेंपरेचर विल चेंज बाय 180 इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये ओके टेंपरेचर चेंज की बात कर रहा हूं मैं, चेंज की, ठीक है। सपोज आपको पूछ लिया गया कि सपोज एक पर्टिकुलर बीच में लोकेशन दे दी गई और यहां पर आपको बोला गया कि जो टेंपरेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड दिस टीसी इज 50, टीसी अगर 50 है ठीक है तो बताइए यहां पर टीएफ कितना होगा, टेंपरेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो वहां पर आप जो है इसकी मदद से नहीं निकाल सकते हैं, अभी आपको चेंज पता होना चाहिए टेंपरेचर कहां से कहां चेंज हुआ। अगर वो बोलता है 0 से 50 आया तो आप डेफिनेटली बता सकते हो, 0 से अगर 50 आया तो ये 32 से कितना आएगा ओके तो कितना आएगा, जैसे 100 के लिए कितना है 180 है तो 50 के लिए कितना होगा सिंपली 90, 50 के लिए तो 32 के अंदर आप 90 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, है समझ में, चेंज आप बता सकते हो राइट right? लेकिन अगर आपको जीरो कंडीशन नहीं दिया है टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हुआ तो आप यहां पर ये रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकते हो, है समझ में। ये सिंपली रिलेशनशिप क्या है, फॉर 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड 180 फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 18 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रिलेशनशिप चेंज के लिए है, है समझ में ओके क्लियर है। इसको आप लिखते जाइए साइमल्टेनियसली, है ना ओके इसको आप साइमल्टेनियसली वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, आए समझ में ओके क्लियर है। देखिए अब अगर कन्वर्ट करना है आपको, सिंपली आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर थर्मामीटर है जिसका रीडिंग जो है, इसका रीडिंग जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए वही थर्मामीटर जो है सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितना टेम्परेचर बताएगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप के जरिए निकाल सकते हैं, लीनियर रिलेशनशिप, और वो लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा, सिंपली दिस टी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी एफ ओके, और ये जो लीनियर रिलेशनशिप मैंने यहां पे लिखा है ना, दिस लीनियर रिलेशनशिप फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्केल्स। यहां पर आप एक नया स्केल ले लीजिए, सपोज डिग्री पी डिग्री एन कोई भी स्केल ले लीजिए ओके तो यहां पर सेम रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हो। सपोज आपके पास है, अगर टी सी स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट आपको पता है ना, अगर स्टीम पॉइंट की बात करता हूं तो 100 आएगा, ये 212 आएगा, एक इक्वेशन आपको मिलेगा। आइस पॉइंट की बात करता हूं तो 0 आएगा 32 आएगा, एक और इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी मिलेगा। अब ये कितना है, ये है 50, तो ये कितना है आप निकाल सकते हो, है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, सिंपली आप यहां पे ले लोगे क्या टी सी माइनस दिस माइनस दिस, टी सी माइनस 0, टी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, 100 माइनस 0, टी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, सिमिलरली दिस इक्वल टू कितना आएगा आपका टी एफ माइनस 32, टी एफ माइनस 32 है ना, टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 है ना, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 ठीक है। इस रिलेशनशिप के जरिए भी आप निकाल सकते हो कि अगर टी सी 50 है तो टी एफ कितना होगा, या टी एफ दिया है या टी सी दिया है ओके
क्लियर है. सो सिंपली दिस इज अ कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरनहाइट. डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरनहाइट. ओके, सो ये हमारा स्केल है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फेरनहाइट. ये कहां से आया अभी हमने देखा, राइट. फ्रेंड्स एक और स्केल था टेम्परेचर का, टेम्परेचर मेजरमेंट का एक और स्केल है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली उसी स्केल को हम यूज करते हैं. कौन सा है? डिग्री केल्विन और सिंपली केल्विन, जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केल्विन, उन्होंने निकाला था. ठीक है, तो केल्विन नाम की, देखो ऑलरेडी हमारे पास दो स्केल मौजूद हैं, एक है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है डिग्री केल्विन, सॉरी एक डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा डिग्री फेरनहाइट. तो केल्विन नाम का ये तीसरा स्केल निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई फिर? क्यों और एक स्केल चाहिए हमको? देखिए तो उसका रीजन क्या है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फेरनहाइट वाली जो स्केल्स हैं इसके अंदर निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल. ओके, इन स्केल्स के अंदर निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल, राइट. और जब भी निगेटिव वैल्यूज आती है तो वहां पर क्या होता है, कैलकुलेशंस के दौरान मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, ड्यूरिंग द निगेटिव वैल्यूज कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, एरर का चांस बहुत ही ज्यादा होगा. तो हमें एक ऐसी स्केल चाहिए थी जिसके अंदर निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्केल चाहिए थी जिसके अंदर निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल. तो वो स्केल कौन सी थी? केल्विन स्केल. केल्विन स्केल को कहा जाता है इट इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. केल्विन स्केल इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. दैट मींस इन केल्विन स्केल नो निगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल. नो निगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल. कैसे आई केल्विन स्केल, हम यहां पर देख लेते हैं. पहले सपोज यहां पर हम एक ग्राफ कंसिडर करते हैं, राइट. ये एक्सेस के ऊपर हमारे पास है प्रेशर इन किलो पास्कल, प्रेशर इन किलो पास्कल, राइट. ओके, एंड ये जो हमारा स्केल है यहां पर हमारे पास मौजूद है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ओके ओके. और इस ग्राफ के ऊपर हम दो टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, दो कंडीशन. ठीक है, पहला एक टेम्परेचर कंसिडर करते हैं सपोज एक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइस पॉइंट. और एक टेम्परेचर कंसिडर करते हैं यहां पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहां पर एक टेम्परेचर कंसिडर करते हैं हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. ये क्या है हमारा आइस पॉइंट और ये क्या है स्टीम पॉइंट, राइट. एक आइस पॉइंट है और एक स्टीम पॉइंट है, राइट. अब ये जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमने क्या किया, एक थर्मामीटर लिया. एक थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर लिया हमने यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर. हमने पढ़ा ना लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने जीरो थ्लॉप थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया, उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर. और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है तो वहां पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हमको टेम्परेचर मिलेगा, वो क्या था, प्रेशर. रिलेशनशिप क्या था, यस, P will directly proportional to T, है ना, प्रेशर will directly proportional to temperature. तो उस constant volume gas thermometer हमने लिया है वहां पे, और वहां पर हमारे पास अगर temperature है तो उस temperature की मदद से हम pressure निकाल सकते हैं. temperature की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, pressure. तो हमने एक thermometer consider किया, suppose thermometer का नाम है A thermometer, थर्मामीटर ए. तो उसने हमको दो प्रेशर की रीडिंग दी, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया. 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ओके. और एक हमको रीडिंग मिली जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, है ना. राइट, और ये जो हमको दो रीडिंग मिली यहाँ पे, जो थर्मामीटर ए ने दिया प्रेशर का रीडिंग, ओके, उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया यहां पर, ओके, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग को हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं. एक्सट्रापोलेट मतलब कि वी आर एक्सटेंडिंग द रीडिंग बियॉन्ड दिस ग्राफ. हम ग्राफ के अंदर जब डील कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरपोलेट. जब जिसको मैंने एक्सटेंड किया तो इंटरपोलेट किया, अब इसको मैं यहां पे एक्सटेंड कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं. आई एम एक्सटेंडिंग द रीडिंग बियॉन्ड द ग्राफ, राइट. और उसको एक्सटेंड करते करते मैं 0 किलो पास्कल तक लेके आया, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया. ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ओके. यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है आपको डिफ्लेक्शन, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करिए आप, ओके. अब वो यहां पर आके वो कोइंसाइड हुआ, यहां पर आके, ठीक है, यहां पर आके वो क्या किया, इस ग्राफ को कोइंसाइड किया,
राइट। एक सेकंड में वापस ग्राफ निकाल लेता हूँ फटाफट से इसका मैं। दिस इज प्रेशर इन किलो पास्कल, प्रेशर इन किलो पास्कल एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड राइट। एंड दिस इज आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। थर्मामीटर ए ने एक रीडिंग दिया, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया आइस पॉइंट पे और उसको हमने प्लॉट किया पे स्टीम पॉइंट के ऊपर, ठीक है ओके। और इनको हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया एक स्ट्रेट लाइन से राइट ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, एक्सट्रापोलेट करके इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 0 किलो पास्कल के ऊपर, इसको हमने लाया, प्रेशर को कम करते गए और हमने एक टेम्परेचर की रीडिंग यहाँ पर मार्क करी, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और थर्मामीटर लिया, ये कौन सा थर्मामीटर था, थर्मामीटर ए, और ये थर्मामीटर ए जो है वो कौन सा थर्मामीटर था, कांस्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर राइट। सिमिलरली हम एक और थर्मामीटर यहाँ पे कंसिडर करते हैं ओके, इट इज कॉल्ड एज अ थर्मामीटर बी, इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, बट इसका रीडिंग कुछ अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि ये जो थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, सपोज इसके अंदर हमने अलग गैस यूज करी है, पहले थर्मामीटर के अंदर ऑक्सीजन था, अब इसके अंदर नाइट्रोजन डाल दिया, या फिर जो पहला थर्मामीटर था उसके अंदर गैस और इसके अंदर सपोज गैस दोनों के अंदर सेम है लेकिन गैस का मास अलग अलग है ओके। कोई तो सिचुएशन हम चेंज करेंगे जिससे रीडिंग भी क्या मिलेगा, हमको अलग मिलेगा, ठीक है ओके सॉरी। सो यहां पर जो थर्मामीटर बी है उसने जो हमको रीडिंग दी यहां पर प्रेशर की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको वापस हमने यहां पे प्लॉट किया तो यहां पर हमको वापस रीडिंग मिली और उसको हमने यहां पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, दिस इज थर्मामीटर बी राइट। अब इसको वापस हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड द लिमिट ओके। और इसको एक्सट्रापोलेट करने के बाद हमको क्या दिखा कि ये वापस उसी पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड हो रहा है एट 0 किलो पास्कल, इसका रीडिंग क्या आ रहा है, वो वापस सेम आ रहा है एट 0 किलो पास्कल, इसका रीडिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है जो कि इस वाले थर्मामीटर ने दिया था, उसी पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड कर रहा है। प्रेशर जब हम डिक्रीज करके 0 किलो पास्कल ला रहे हैं तो उसी पॉइंट के ऊपर आके ये कोइंसाइड कर रहा है। सिमिलरली हमने एक और थर्मामीटर ले लिया, थर्मामीटर सी, उसने कुछ और रीडिंग दिया राइट, थर्मामीटर सी है ना, इसने हमको और एक रीडिंग दिया और उसको भी हमने यहाँ पे प्लॉट किया और उसको जब वापस हमने एक्सट्रापोलेट किया तो हमने देखा वापस ये भी उसी पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड कर रहा है 0 किलो पास्कल के ऊपर। ये कौन सा प्रेशर है, ये है हमारा 0 किलो पास्कल वाला प्रेशर, 0 किलो पास्कल है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर प्रेशर क्या होगा, 0 किलो पास्कल राइट। और इस 0 किलो पास्कल प्रेशर जो है, ये प्रेशर हमको 0 किलो पास्कल कब मिलता है, कब मिलेगा, हमको पता है ना गैस के पास प्रेशर क्यों होता है, हमने देखा था वाई द गैस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग प्रेशर, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं है ना, और ये मॉलिक्यूल्स जब घूमेंगे आपस में टकराएंगे तो प्रेशर डेवलप करेंगे ओके। और उसको हम कहते हैं मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमको एक प्रेशर हम जिसके बारे में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये कब हमको मिलता है, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो व्हिच इज इक्वल टू 0 किलो पास्कल सपोज ओके। सो यहां पर हमको ये प्रेशर मिला ओके और इस प्रेशर के ऊपर जो कि तीनों थर्मामीटर हमको सेम रीडिंग दे रहे थे टेम्परेचर की, इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर 0 किलो पास्कल के ऊपर हम ये तीनों थर्मामीटर सेम रीडिंग दे रहे हैं टेम्परेचर की, और इस टेम्परेचर को जब हमने मेजर किया तो इस टेम्परेचर का वैल्यू कितना आया, तो इस टेम्परेचर का वैल्यू आया माइनस ओके, इसका वैल्यू आया माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में, इस टेम्परेचर को जब हमने मेजर किया तो उसका वैल्यू कितना आया, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ओके। और इसको फिर कंसिडर किया गया कितना, 0 केल्विन इस टेम्परेचर को, क्योंकि कोई भी थर्मामीटर इससे कम रीडिंग नहीं देगा, मिनिमम रीडिंग जो एक थर्मामीटर देगा जो पॉसिबल है इन डिग्री सेल्सियस में तो वो आपका है माइनस 273.15, इससे नीचे की रीडिंग हमको नहीं मिल सकती है ठीक है। तो इसको ही कैलिब्रेट किया गया क्या, 0 केल्विन, इसको माना गया कितना, 0 केल्विन माना गया। ऐसा में सो वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, और वो रिलेशनशिप क्या है, दिस टी केल्विन ओके। वो रिलेशनशिप क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस टी केल्विन इज इक्वल टू दिस 273.15 प्लस
40 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मींस इफ यू वांट टू कन्वर्ट द केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, तो आप इस रिलेशनशिप से कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, समझ में? तो केल्विन क्या है? इट इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, राइट? ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए और इसके नीचे लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए आप. ओके, इसके नीचे लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, केल्विन स्केल इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इन विच नो निगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल. सेकंड पॉइंट, it is based on a single reference point, which is a triple point of water. ठीक है, जैसे हमने देखा सेल्सियस स्केल थी या डिग्री फारेनहाइट स्केल थी, वो दो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टीम पॉइंट, दूसरा आइस पॉइंट. बट दिस केल्विन स्केल इज बेस्ड ऑन अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट सिंगल रेफरेंस पॉइंट इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर. और हमको पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर को जो है हमने पढ़ा था ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका टेम्परेचर होता है, सपोज हम यहाँ पे मार्क करते हैं उसको 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना आता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 0 केल्विन, राइट? ओके, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में, सिंपली 273.16 केल्विन, राइट? ओके, सो ये जो टेम्परेचर स्केल है, ओके, सो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर है, इसके रेफरेंस पॉइंट को लेकर हम केल्विन डिफाइन कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन द वन केल्विन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? सो दिस वन केल्विन इज इक्वल टू कितना होगा, हाउ मच इज इक्वल टू वन केल्विन? तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो स्केल है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा, इतने हिस्सों में 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 / 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, जो कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है, है ना. 1 केल्विन का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द 1 / 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ओके, ठीक है. ओके, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा टेम्परेचर स्केल के ऊपर. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल करस्पॉन्डिंग टू द फारेनहाइट स्केल इज. ओके, अगर हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एक हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल है और वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री का है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेम जो है फारेनहाइट स्केल के ऊपर वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा. तो सिंपली हमने देखा कि हमारा जो स्केल था, है ना, ये हमारा जो स्केल था, अगर हम सेल्सियस केस की बात करते हैं तो 0 है और यहाँ पर 100 है, लेकिन अगर हम फारेनहाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर 32 स्टीम, ये क्या है आपका आइस पॉइंट, और ये स्टीम पॉइंट, और यहाँ पर कितना है 212, राइट? सो जो डिफरेंस है वो कितना है, फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड द डिफरेंस इज 180. फॉर द डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन अ फारेनहाइट सेल्सियस स्केल, द डिफरेंस इन द फारेनहाइट स्केल इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर 10 डिग्री द डिफरेंस विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सिंपली हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने ये पहले भी देखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड. नहीं तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने लग जाते हैं कुछ कि यहाँ पर सपोज टीसी दिया है 10, ओके, और यहाँ पर ये 0 है, ये 100 है, तो आप यहाँ पे ले लोगे कि 10 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू टीएफ निकाल लें, टीएफ माइनस 0 अपॉन 212 माइनस 32, ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है. तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा.
क्यों? क्योंकि यहां पे आपको डिफरेंस पूछा गया है, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पूछी गई है, डिफरेंस कितना होगा वो पूछा गया आपको, तो डिफरेंस विल बी ऑफ 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई समझ में? सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली 18 सॉरी फ़ारेनहाइट नहीं आएगा यहाँ पे, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा फ़ारेनहाइट। ओके ठीक है, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे। ओके, अ न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री एन इज टू बी डिफाइन, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दिस स्केल आर 100 डिग्री एन एंड 400 डिग्री एन। ठीक है, अ न्यू टेम्परेचर स्केल, यहां पर एक न्यू टेम्परेचर स्केल डिफाइन की गई है। सपोज हमारे पास एक ऑलरेडी एक टेम्परेचर स्केल है और यहां पर स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या कह रहा है, अ न्यू टेम्परेचर स्केल इज बीइंग डिफाइंड ऑन दिस स्केल्स आर ऑन दिस स्केल बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है यहां पे 100 डिग्री एन, 100 डिग्री एन, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है यहां पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया यहां पे 400 डिग्री एन, ये दिया गया है राइट। Respectively, what will be the reading on a new scale corresponding to the 60 degree centigrade? अगर आपका temperature जो है वो अगर suppose TC अगर 60 degree centigrade है तो उस समय this TN जो new temperature scale बनाएगी TN तो वो कितना temperature आपको बताएगी, simply question पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास linear relationship है, simply क्या relationship है हमारे पास, this TC is equal to A प्लस बी इंटू टी एन, है ना, ए प्लस बी इंटू टी एन। इसके थ्रू हम अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर टी सी हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जीरो, तो जब ये जीरो है तो ये कितना है, ये है 400, टी एन कितना है 400, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी 400, ए प्लस 400 बी, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया राइट। दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, जब यहां पर 100 है तो यहां पर भी 100 है, तो दिस 100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 बी, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया राइट। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ए और बी की वैल्यू। सपोज इसमें से ये माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100 is equal to a will get cancel और ये क्या हो जाएगा 100 minus 400 that is ये हो जाएगा minus 300 b, है ना। तो यहाँ से हमारे को हमें simply b का value कितना मिलेगा minus 1/3, है ना, b कितना आएगा simply b is equal to minus 1/3 और minus 1/3 हम यहाँ पे put करेंगे तो कितना होगा ये a कितना होगा हमारे पास 400/3, a will be equal to, है ना, ए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये 400 और ये कितना होगा 3/400 होगा ना, ये माइनस 1/3, ओके ये यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 400/3। हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए और बी की वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे राइट, कौन किसके अंदर, यहाँ पर टी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी एन, टी सी कितना है 60, टी सी कितना है हमारे पास 60 इज इक्वल टू ए कितना है 400 अपॉन 3 और बी कितना है माइनस 1/3, माइनस 1/3 इंटू टी एन जो हमको निकालना है राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 180, 400 माइनस 180 दैट इज 220, तो सिंपली हमारा आंसर क्या आएगा, टी एन इज इक्वल टू 220 डिग्री एन, डिग्री एन। समझ में? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली राइट, ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप कोई भी स्केल के लिए ये सेम रिलेशनशिप हम डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए भी लगा सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप ये क्वेश्चन यूज कर सकते हो, समझ में? ओके ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है। हाँ, एट वॉट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड द न्यू टेम्परेचर स्केल एज डिफाइंड इन द अबव क्वेश्चन रीडिंग वुड बी द सेम।
कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर हमने देखा ना लास्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था कि एक नया टेम्परेचर का स्केल बनाया गया है जिसका नाम है डिग्री एन, और वो डिग्री एन जो है वो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कितना रीड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे कितना रीड करता है हमको बताया, ओके। और हमको पूछा गया कि अगर सेल्सियस वाली स्केल जो है वो 60 डिग्री रीड करती है तो एन वाली स्केल कितना रीड करेगी। अब ये क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि जो सेल्सियस वाली स्केल है और डिग्री एन वाली स्केल है वो कौन से ऐसे पॉइंट होगा जहां पर दोनों सेम रीड करेंगे, जहां पर दोनों सेम रीड करेंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि आपको यहां पर दिया गया है ना कि जब ये जीरो है तो ये कितना है 400 एन है, राइट। और ये जब 100 था तो ये भी 100 ही था, तो कौन से पॉइंट पे दोनों सेम रीड करेंगे, तो दोनों रीड करेंगे 100 डिग्री एन के ऊपर। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड न्यू टेम्परेचर स्केल विल रीड द सेम, 100 के ऊपर दोनों सेम रीड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है, सपोज ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि देख के ही पता चल जाए, तो भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपली हमारे पास अगेन रिलेशनशिप है TC इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी एन, है ना। और हमको पता है कि TC और TN दोनों का वैल्यू क्या है, अभी सेम है, क्योंकि सेम रीड करेंगे ना तो भी तो वैल्यू सेम आएगा। तो कुछ भी आप यहाँ पे भी TC रख लो, यहाँ पे भी TC रख लो, यहाँ यहाँ पे TN रखो, यहाँ पे TN रखो, ओके। तो आपको एक टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि A आपके पास ऑलरेडी है, B आपके पास ऑलरेडी है ना। सपोज हम दोनों को TC रख देते, तो दिस TC इज इक्वल टू A कितना निकाला था हमने 400 बाई 3 माइनस 1/3 TN, 1/3 सॉरी इसको भी TC रख देते हैं, 1/3 TC। ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, TC plus 1/3 TC इज इक्वल टू 400/3, राइट। क्या होगा 3TC plus TC दैट इज 4TC, ओके। और ये 3-3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, दिस TC इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 4/3, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा तो 400/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3-3 गेट कैंसिल, आंसर कितना आएगा 100, आंसर कितना आएगा सिंपली 100, ओके क्लियर है, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर बोला गया है द रीडिंग ऑफ TA एंड TB ऑफ 2 सेंटीग्रेड स्केल थर्मामीटर्स A एंड B ग्रेडेड एट द आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन दिस, ओके। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो थर्मामीटर दिए गए हैं, एक है थर्मामीटर A जिसको TA से डोनेट किया गया है, और दूसरा है थर्मामीटर B विच इज डोनेटेड बाय थर्मामीटर TB, राइट। और क्या बोला गया है कि जो दोनों थर्मामीटर हैं वो हमको सेम रीडिंग दे रहे हैं, दोनों जो है वो सेल्सियस स्केल वाले थर्मामीटर हैं, और ये दोनों थर्मामीटर हमको सेम रीडिंग दे रहे हैं एट स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। कितना दे रहे हैं, तो स्टीम पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों थर्मामीटर हमको सेम रीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये हमको यहाँ पर बोला गया है, राइट। और ये दोनों थर्मामीटर हैं वो आपस में कोरिलेट किए गए हैं बाय अ लीनियर इक्वेशन, और वो लीनियर इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो वो है दिस TA इज इक्वल टू L प्लस MTB प्लस NTB स्क्वायर, ये एक रिलेशनशिप से उनको कोरिलेट किया गया है, राइट। वेयर L, M एंड N आर कांस्टेंट, व्हेन बोथ थर्मामीटर इमर्स इन द ऑयल द थर्मामीटर A रीड्स 51 डिग्री सेंटीग्रेड, जब दोनों थर्मामीटर ऑयल में इमर्स किए जाते हैं तो थर्मामीटर A रीड 51 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल द थर्मामीटर B रीड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और पूछा गया है कि अगर थर्मामीटर बी जो है अगर वो रीड करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस समय थर्मामीटर ए जो है वो कितना रीड करेगा, थर्मामीटर ए कितना रीड करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपली आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपली आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर जो है वो 1, 2, 3 ओके 4, 5 वेरिएबल्स हैं, 5 में से एक वेरिएबल TB आपको दिया गया है, TB आपको दिया गया मतलब ओके TB आपको दिया गया है कितना है। अब आपको सॉल्व करना है तो L, M और N की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, तो दोनों थर्मामीटर की रीडिंग सेम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों थर्मामीटर की रीडिंग सेम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बात करते हैं पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या आएगा, दिस 0 इज इक्वल टू L
प्लस जीरो प्लस जीरो, मतलब एल क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिंपली जीरो, एल का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, समझ लीजिए, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 100 डिग्री पे भी दोनों का सेम है, तो 100 डिग्री पे क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू जीरो है ये तो, ओके ये क्या होगा 100 एम प्लस 100 स्क्वायर एन, 100 स्क्वायर एन, राइट। अगेन एक अगर टी ए 51 है तो टी बी कितना है, 50 है, टी ए 51 है तो टी बी कितना है, 50 है, तो यहां पर क्या आएगा, दिस 51 इज इक्वल टू 50 एम प्लस 50 स्क्वायर एन, अब 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 एन, ठीक है, ओके। और यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी एम और एन की, तो एम की वैल्यू कितनी होगी यहां पर जो है वो है 1.04, जब आप कैलकुलेट करोगे इन दोनों इक्वेशंस में, तो एम का वैल्यू मिलेगा आपको 1.04 और एन का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴ जब आप सॉल्व करोगे तो। अब एल एम एन तीनों आपके पास है, यहां पर पुट करिए और आंसर निकालिए, ओके यहाँ पर क्या बोला गया है, टी बी 25 है तो टी ए कितना होगा, तो टी ए जो आपका सिंपली आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, टी ए इक्वल टू आपका आएगा 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अब दो थर्मामीटर से देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, दो थर्मामीटर हमारे पास थे अलग अलग, ए बी, जो ए थर्मामीटर था और बी थर्मामीटर था, दोनों की रीडिंग सेम थी, दोनों की रीडिंग्स क्या थी, सेम थी, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के ऊपर, स्टीम पॉइंट पे भी और आइस पॉइंट पे दोनों का रीडिंग क्या था, सेम था, लेकिन एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स की जब हमने बात की तो दोनों थर्मामीटर ने हमको क्या रीडिंग दिया, अलग अलग रीडिंग दिया। इसमें से हमको क्या पता चलता है कि अगर दो अलग अलग थर्मामीटर्स ले लेते हैं, एक दो तीन चार पांच कितने भी थर्मामीटर्स ले लो, इफ ऑल द थर्मामीटर आर हैविंग द सेम रीडिंग एट स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, इट डजंट मीन दैट दे विल आल्सो गिव द सेम रीडिंग एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ओके। और इसी के ऊपर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, राइट ये पहला क्वेश्चन था, इसको मैंने लास्ट में लिया क्यों, क्योंकि वो इस एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता था क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, राइट, असर्शन एंड रीजनिंग। इसके अंदर क्या बोला गया, असर्शन क्या बोला गया, इफ एन अल्कोहल एंड मर्क्यूरी थर्मामीटर्स रीड एग्जैक्टली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स, इन बोथ थर्मामीटर्स विल गिव एग्जैक्टली सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, कि दोनों का रीडिंग टी ए और टी बी दोनों का रीडिंग 0 पे और 100 पे सेम था, लेकिन इंटरमीडिएट पे अलग अलग आया, एक का 50 था दूसरे का 51 था, एक का 25 था दूसरे का 25.75 आया, है समझ में। सो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, अगर ये सही नहीं है, असर्शन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओके आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, A is false but R is true, हमारा ये आंसर आएगा। अब R में क्या बोला गया है, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिटरी, बिल्कुल सही है, वो आर्बिटरी है, अंदाजे से ली गई हैं, हम भी अपनी अलग स्केल बना सकते हैं, दे आर आर्बिटरीली टेकन, ओके समझ में आया, हमारे सहूलियत के हिसाब से हमने स्केल्स बनाई हैं अलग अलग, जैसे हमको डिफिकल्ट लग रहा था सेल्सियस स्केल, निगेटिव वैल्यूज थी तो हमको निगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, फिर नया स्केल बना दिया, कौन सा, केल्विन वाला, So, ये तो सही है, लेकिन ये जो इसके अंदर बोला गया है कि दो थर्मामीटर्स जिनका जो है रीडिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के ऊपर अगर सेम रीडिंग देते हैं तो जरूरी नहीं है वो थर्मामीटर आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स के ऊपर भी सेम रीडिंग देंगे, है समझ में, क्लियर है, ओके। सो ये था हमारा टेम्परेचर स्केल के बारे में, राइट, ओके। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी इंटरेक्शन, ओके तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, ओके थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।